हाँ ओप्पो अपना नाम चेंज करो, ओप्पो सिस्टी हो, सिस्टी ओप्पो की जगह। पूजा कुमावत, पिंकी चौधरी, संध्या मीणा, ओप्पो अपना नाम चेंज करो, अनीता जागीर। बेटा आज तो वही करेंगे पूजा, आज कौन सी वाली बुक स्टार्ट करेंगे? आज तो लाइकेंस बचता है, वही वाली बुक है एल्गी, लाइकेंस एंड ड्राइफाइट्स। लाइकेंस के बाद अपन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पूजा स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन है ना बेटा, कौन सी बुक पूजा कुमावत पूछ रही है? मैम, हाँ बेटा बोलो, मेरा नाम अनीता ही आ रहा है ना? क्या रहा? अनीता जागीर। हाँ अनीता ही आ रहा है बेटा, अनीता जागीर। लेकिन ओके मैम, अब तो सृष्टि का भी आ गया, ओपू का, कोमल वर्मा आ गए, अनीता भी आ गई, पिंकी चौधरी, संध्या मीना। तो ठीक है बेटा पूजा, आज तो वही बुक है एल्गी, लाइकेंस। ओके मैम, ओके बेटा, क्योंकि लाइकेंस भी कर लेते हैं अपन, फिर इस लाइकिन के बाद एक दो रोज, कल के बाद, कल या परसों के बाद अपन सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। जूलॉजी में कितना हो गया? पहली बुक कंप्लीट हो गई बेटा, फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया, चल रहा है अभी? चल रहा है मैम। कौन सा पेपर चल रहा है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, या एक पेपर पूरा हो गया? फर्स्ट पेपर ही चल रहा अच्छा बेटा ठीक है, और केमिस्ट्री में फर्स्ट पेपर ही चल रहा होगा? है। यस मैम। ठीक है, अभी आ जाएं जब स्टार्ट कराएंगे। बेटा आप लोग तो आएंगे 7 जने, कोमल वर्मा, सृष्टि गोयल, अनिता, पिंकी चौधरी, संध्या मीना और पूजा कुमावत। मैम, हाँ बेटा बोलो, ज्योति सेन आ गई। हाँ बोलो। प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल में ये रिकॉर्ड भी बनेगा क्या? ना बनेगा ना रिकॉर्ड बेटा, ये जो अपन ने करा है ना, एक ने फाइल के बारे में बोला था, फाइल तो सही दिखाई है वो वाली, लेकिन मेरे को इतनी अच्छी तरह क्लियरली नहीं दिख रही। बिल्कुल बेटा रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड में से उन्हें वॉल्वोस का पढ़ाया है, पॉलीसाइफोनिया पढ़ाया, आपको ये सब बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर्स, इनके सेल के स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ऑक्टोकार्पस बनाओगे आप, है ना, पॉलीसाइफोनिया के कई स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ऐसे रिक्सिया के, मार्केशिया, जो ब्रायोफाइट्स पढ़े, एंथोसिरोस पढ़ा, फ्यूनेरिया पढ़ा, इन सब के डायग्राम्स बनाओगे, कमेंट्स लिखोगे, कैरेक्टर्स लिखोगे एंड क्लासिफिकेशन लिखोगे। ठीक है ना, एक्टोकार्पस है, रिक्सिया है, मार्केशिया है, फ्यूनेरिया है, सबके लिखोगे, सारी सारा बनाना पड़ेगा बेटा। और अपन कर, ओके मैम, साक्षी यादव भी आ गई, साक्षी यादव, ज्योति सेन। क्या करना है एक बार दोबारा बता दो। प्रैक्टिकल में बेटा आपका सब करोगे, प्रैक्टिकल में जो एक प्रैक्टिकल बुक ले लेना, लाइब्रेरी से इशू करा लेना, ठीक है? तो उसमें आपको एल्गी के बारे में करना है, मतलब एल्गी में जैसे वॉल्वॉक्स है, पॉलीसाइफोनिया है, इसके कैरेक्टर्स लिखोगे, लाक्षणिक गुण लिखोगे 10-10 सबके, इसमें कोशिका का, सेल का स्ट्रक्चर बनाओगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी बनाओगे, जनन संरचनाएं भी बनाओगे, इन सबकी विशेषताएं लिखोगे, और लास्ट ही लास्ट में बेटा क्लासिफिकेशन भी लिखोगे, है ना, ये करोगे बेटा। पूजा मीणा आ गई, रोचे कुमारी मीणा आई है अभी। और अगर अपन मिलते हैं बेटा मार्च में, जैसे फरवरी में मुझे बुलाया या मार्च में बुलाते हैं, तो मैं आपको बताई दूंगी प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली, है ना? नहीं तो एक ऐसा करो बेटा, आप लोग जब कॉलेज जाते हो तो एक एकता जी से बुक इश्यू करा लो, मतलब प्रैक्टिकल फाइल देखने के लिए, तो आप फर्स्ट ईयर वालों को पता लग जाएगा किस पैटर्न पर बनानी है। अगर एकता जी, आप एकता जी तो आई आई थी ना आपके, क्यों बेटा? यस दो मैम। ओके दिन जाते हो आप फर्स्ट ईयर वाले, तो उनसे कहना है एकता जी से एक प्रैक्टिकल फाइल बॉटनी की निकाल दें, तो आप देख लेना पैटर्न कैसा है, ठीक है? फर्स्ट ईयर की निकलवाना, ठीक है? कह देना हमें देखने के लिए मैडम चाहिए, तो एकता मैडम से एक फाइल निकलवा लेना, एकता जी से कहना, उनसे रिक्वेस्ट कर लेना एकता जी से, तो आपको फाइल एक बॉटनी की दे देंगी, है ना? जब तक अपन नहीं मिल पा रहे, ठीक है बेटा? मैम, आप फर्स्ट ईयर वाले कोई भी कह देना एकता जी से, तो वो निकाल के आपको दे देंगी। वो एकता जी आपको लैब में ही बुलाती है ना, लैब में बुलाती है ना, नीचे लेते हो क्लास? नहीं मैम, लैब अच्छा में लेके जाती है हमें, बॉटनी की और जूलॉजी दोनों लैब में। दोनों लैब में जाती है ना, तो आप उनसे कहना बॉटनी की लैब में ही अंदर रखी है बॉटनी की फाइल्स फर्स्ट ईयर वालों की, तो वो आपको पैटर्न दिखा देंगी किस तरह से बनानी होती है, ठीक है? ये मैं कह रही हूँ, अब की बार याद रखना बेटा निकलवाने की, तो
जैसे आप और भी अच्छी तरह बना पाओगे फाइल को, और क्यों चूंकि फर्स्ट ईयर वाले हो तो देखने की जरूरत तो पड़ती है बेटा माना, तो आप देख लेना उनसे लेके, और मैं आऊंगी तो मैं दिखाई दूंगी, नहीं तो फिर आप लोग देख लेना, मैं तो आपकी बुक में ही मार्क कर दूंगी कौन कौन से बनाने, लेकिन जब तक मैं नहीं आ रही हूँ है ना, तो आप जब तक एकता जी से निकलवा लेना, जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह फाइल बना लो। मनीषा कुमारी भी आ गई, मनीषा कुमारी आ गई, पिंकी चौधरी, दोनों पिंकी चौधरी आ गई, सुनीता चौधरी, प्रतिभा शर्मा भी आई है अभी, प्रतिभा शर्मा, मोनिका चौधरी, निकिता अंजना और पूजा मीना। चलो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, अभी इतने आ गए आप लोग, 18 जने हो गए, फिर और को आ जाने दो। आरती चौधरी भी आ गई, रुचि कुमारी मीना, ज्योति मीणा आई है, ज्योति सर आई चुकी। मैम हाँ बेटा, आपका YouTube पे चैनल कौन सा है? YouTube के बेटा मैंने एक मैसेज भेजा था, अनुपमा गोयल के नाम से चैनल है, उसको खोलना, अनुपमा गोयल के नाम से चैनल है। ओके मैम। मैम हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो, बोलो बोलो। मैम बोटनी की तीनों बुक के पेपर अलग अलग होते हैं क्या? हाँ बेटा अलग अलग ही होते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ये वाला थर्ड पेपर है जो अपना फिनिश हो जाएगा, फिर अपन सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, तो अलग अलग पेपर जैसे बताया, तो इनके मार्किंग भी अलग अलग है। 33 मार्क्स का पेपर फर्स्ट पेपर, 33 मार्क्स, 33 मार्क्स का सेकेंड पेपर, 33 मार्क्स, और लास्ट मतलब थर्ड पेपर, तीसरा पेपर है 34 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए 100 मार्क्स, और प्रैक्टिकल होता है आपका 50 मार्क्स का, तो 150 मार्क्स के होता है आपका बॉटनी का, 33 मार्क्स, 33 मार्क्स एंड 34, इनको मिला के कितने हुए तीनों पेपर्स 100 मार्क्स के, और प्रैक्टिकल बॉटनी का कितना होगा 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स ये। ठीक है बेटा, 350 हो रहे हैं, अपन स्टार्ट तो करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं आज लाइकेन किसे कहते हैं, लाइकेन की प्रकृति। तो शब्द लाइकेन का सर्वप्रथम उपयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस द्वारा वृक्षों की छाल पर पाई जाने वाली सतही वृद्धि की व्याख्या करने के लिए किया गया था। म्यूरिसन द्वारा इस समूह के पौधों को मस्को फंगस का नाम दिया गया। स्मिथ ने इन्हें अति अल्प विकसित बहुवर्षीय वायवीय पादप कहा है। तो लाइकेन्स क्या है? यह पादपों का समूह है जिनमें शरीर शैवाल, एल्गी एवं कवक फंजाई का सम्मिलित स्वरूप होता है। तो अपन देखते हैं नेचर ऑफ लाइकेन्स, लाइकेन्स की प्रकृति। एक लाइकेन पादप को एक ऐसी संरचनात्मक रूप से संगठित इकाई के तौर पर निरूपित किया जा सकता है जिसमें एक कवक प्रजाति एवं एक शैवाल सदस्य का स्थायी गठबंधन मौजूद होता है। तो लाइकेन्स क्या है? लाइकेन में एक तो कवक प्रजाति होती है और एक शैवाल की प्रजाति मिलकर लाइकेन का गठन करते हैं। तो लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई। तो लाइकेन के कवक घटक सदस्य को कवक जीवक या माइकोबायोंट कहते हैं। लाइकेन के फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? माइकोबायोंट कहते हैं। लाइकेन के कवक घटक सदस्य को माइकोबायोंट कहते हैं, कवक जीवक कहते हैं एवं शैवाल सदस्य को फाइकोबायोंट कहते हैं। तो शैवाल घटक एवं कवक घटक दोनों ही एक सहजीवी गठबंधन सिम्बायोटिक एसोसिएशन की स्थापना कर साथ साथ जीवन यापन करते हैं। कवक घटक या माइकोबायोंट संपूर्ण लाइकेन थैलस के प्रमुख हिस्से का निर्माण करता है तथा शैवाल घटक को आवास प्रदान करने के साथ ही उसकी प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों में भी रक्षा करता है।
दूसरे शब्दों में शुष्कता एवं ताप से शैवाल कोशिकाओं का बचाव कवक सूत्रों के आवरण द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त लाइकेन थैलस का कवक घटक पादप शरीर के लिए अधोस्तर पर पकड़ बनाने तथा वातावरण तथा मृदा में उपस्थित नमी एवं जल को अवशोषित करने का कार्य भी करता है। तो अपन बात करते हैं अभी आवास अकरेंस क्या है, अकरेंस ऑफ लाइकेंस। तो हमारी पृथ्वी पर लाइकेंस का प्रतिनिधित्व लगभग 450 वंशों एवं 16,000 से अधिक प्रजातियों के द्वारा निरूपित होता है। मतलब पृथ्वी पर अर्थ पर लाइकेंस के 450 वंश पाए जाते हैं, 450 जनरा पाए जाते हैं एवं 16,000 से अधिक प्रजातियां स्पीसीज लाइकेंस की पाई जाती हैं। लाइकेंस क्या है, यह बहुवर्षीय पादप है जो पोलर रीजन्स ध्रुवीय प्रदेशों से लेकर सघन वर्षावनों अर्थात विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। तो लाइकेंस के सामान्य एवं सर्वप्रिय आवासों में वृक्षों की छाल पर लाइकेंस पाए जाते हैं, मतलब ट्री बार्क पर भी लाइकेंस पाए जाते हैं। इसी प्रकार गलनशील काष्ठ डिकेइंग वुड सड़ी गली पत्तियां शाखाएं ह्यूमस बहुल मृदा ह्यूमस रिच सॉइल पर भी लाइकेंस पाई जाती हैं। इसी प्रकार रेतीली मिट्टी चट्टाने पत्थरों पर भी लाइकेंस पाई जाती हैं और निर्जन शिलाखंड बैरन रॉक्स ज्वालामुखी का ठंडा लावा व टुंड्रा के बर्फीले मैदान में भी लाइकेंस पाई जाती हैं। इसी प्रकार छतों पर दीवारों पर दरवाजों की चौखटों पर एवं ऐसी ही कुछ अनूठी एवं विषम आवासीय परिस्थितियों में लाइकेंस पाई जाती हैं। तो लाइकेंस कहाँ पाई जाती है, लाइकेंस ट्री बार्क पे पाई जाती हैं, डिकेइंग वुड व ह्यूमस रिच सॉइल पर पाई जाती हैं, रेटीली मिट्टी चट्टाने पत्थर बैरन रॉक्स ज्वालामुखी के ठंडे लावे में भी लाइकेंस पाई जाती हैं और इसी प्रकार छतों पर दीवारों पर दरवाजों की चौखटों पर लाइकेंस पाई जाती हैं। तो वे लाइकेन पादप जो पत्थरों पर उगते हैं उनको शिलावासी या सेक्सी कोल्स कहा जाता है। मतलब वे लाइकेंस पादप जो पत्थरों पर उगते हैं उनको शिलावासी कहा जाता है या सेक्सी कोल्स कहा जाता है, जबकि वृक्षों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को वल्कवासी या कोर्टिकोल्स कहते हैं। तो कोर्टिकोल्स किसे कहते हैं, मतलब द लाइकेंस विच ग्रो ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज आर कॉल्ड एज कोर्टिकोल्स। वृक्षों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को कोर्टिकोल्स कहते हैं। कुछ लाइकेन प्रजातियां जलीय होती हैं, एक्वेटिक होती हैं, जैसे पेल्टीजेरा और या एंड वेरुकेरिया मार्गेसिया व क्लेडोनिया रेंजी फेरिना जिसे रेंडियर मॉस भी कहा जाता है। तो रेंडियर मॉस किसे कहते हैं, रेंडियर मॉस क्लेडोनिया रेंजी फेरा को कहते हैं और ये लाइकेन की प्रजाति है जो कि एक्वेटिक है। तो कौन कौन सी ऐसी लाइकेन की प्रजातियां हैं जो कि जलीय हैं, जो कि जल में पाई जाती हैं, जो कि एक्वेटिक हैं? एक है बेटा पेल्टीजेरा एवं वेरुकेरिया मैराजेसिया या मार्गेसिया, ठीक है, वेरुकेरिया मार्गेसिया और इसी प्रकार क्लेडोनिया रेंजी फेरिना को रेंडियर मॉस भी कहा जाता है। यह रेंडियर मॉस टुंड्रा प्रदेशों में बहुतायत से उगती है तथा वहां के पशुओं जैसे रेंडियर एवं कैरिबू एवं
कैरिबू का प्रमुख आहार है। तो भारत में लाइकेन्स पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लाइकेन वंश है क्लेडोनिया। कौन कौन से लाइकेन्स है? क्लेडोनिया पार्मेलिया असनिया फाइसिया एंड लेसिडिया। अब अपन बात करते हैं लाइकेन्स के स्ट्रक्चर की, संरचना की। लाइकेन की संरचना कैसी होती है? तो लाइकेन्स के पादप शरीर अत्यधिक वर्णक युक्त होते हैं, मतलब हाईली पिगमेंटेड होते हैं। लाइकेन्स के थैलस का रंग नीला, हरा, सलेटी या धूसर, पीला, नारंगी, लाल या भूरा होता है। कुछ लाइकेन पादपों जैसे गायरोफोरा का थैलस सफेद रंग का होता है। बेटा अब इसके लाइकेन का क्या कंपोजिशन है? पादप संगठन, लाइकेन के पादप संगठन की बात करते हैं तो प्रत्येक लाइकेन का पादप शरीर दो प्रमुख घटकों के द्वारा निर्मित होता है। पहला है कवक घटक। कवक घटक को क्या बोलेंगे? फंगल कंपोनेंट और माइकोबायोंट। दूसरा है शैवाल घटक। शैवाल मतलब एल्गल कंपोनेंट अथवा और फाइकोबायोंट। तो लाइकेन्स के कवक घटक में कवक संवर्ग एस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य प्रमुख होते हैं, जबकि शैवाल घटक के रूप में हरित शैवाल या वर्ग क्लोरोफाइसी के सदस्य जैसे माइरेमिया क्लेडोफोरा या प्लूरोकोकस इत्यादि, अथवा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के सदस्य जैसे नोस्टॉक, ग्लियोकैप्सा, साइटोनिमा एवं राइव्यूलेरिया इत्यादि उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न लाइकेन्स के पादप शरीरों से शैवाल एवं कवक घटकों को पृथक आइसोलेट कर प्रयोगशाला में इनका सफलतापूर्वक अध्ययन किया गया है, परंतु फिर भी लेबोरेटरी कंडीशंस में, प्रयोगशाला परिस्थितियों में कृत्रिम विधियों द्वारा लाइकेन थैलस का सृजन आज तक भी संभव नहीं हो पाया है। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेन्स, लाइकेन्स की बाह्य आकारिकी। तो विभिन्न लाइकेन प्रजातियां अपनी आकृति एवं संरचना में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करती हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रकृति एवं प्रारूप के आधार पर लाइकेन्स में तीन प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। तो ये याद रखने की चीज है, एक तो है पर्पटी में लाइकेन्स, क्रस्टोस लाइकेन्स, दूसरा है पर्नल लाइकेन्स, फोलियोस लाइकेन्स, तीसरा है शूपिल लाइकेन्स, फ्रक्टिकोस लाइकेन्स। तो बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं क्रस्टोस लाइकेन्स की, पर्पटी में लाइकेन्स। तो इस प्रकार के क्रस्टोस लाइकेन्स में थैलस या पादप शरीर चपटा होता है। प्लांट बॉडी कैसी होती है क्रस्टोस लाइकेन्स में? चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है, तथा यह थैलस अपने अल्पवर्धित कवक जाल के द्वारा आधार स्थल में प्रवेश कर इन चट्टानों या वृक्षों की छाल से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहता है। इस प्रकार थैलस या पादप शरीर पपड़ी नुमा संरचना बनाता है एवं चपटी, पतली एवं कठोर संरचना के तौर पर निरूपित होता है। तो इस प्रकार के थैलसों को पूर्णतः या पूरा का पूरा आधार स्थल से अलग करना असंभव होता है। तो कुछ पर्पटी में लाइकेन्स, कुछ क्रस्टोस लाइकेन्स का थैलस चट्टानों या वृक्ष की छाल में आंशिक या पूर्ण रूप से
कैसा रहता है, मतलब बेटा जो क्रिस्टल्स लाइकेंस हैं उनका जो थैलस है या तो चट्टानों में या वृक्ष की छाल में आंशिक या पूर्ण रूप से धसा रहता है। ये कुछ धागे जैसी संरचनाओं जिनको राइजील्स कहते हैं उनके द्वारा आधार स्थल चट्टानों या वृक्षों की छाल से चिपका रहता है। मतलब जो क्रिस्टल्स लाइकेंस का थैलस है वो कुछ धागे जैसी संरचनाओं जिनको की राइजील्स कहते हैं उनके द्वारा चट्टानों या वृक्ष की छालों से चिपका रहता है। इन लाइकेंस मतलब क्रिस्टल्स लाइकेंस के थैलस की आकृति नियमित रूप से अंडाकार या गोलाकार या शाखित होती है तथा इनका परिमाप साइज ऑलपिन के ऊपरी सिरे पिन हेड के बराबर से लेकर कई इंच व्यास तक का हो सकता है। तो क्रिस्टल्स लाइकेंस के थैलस भूरे, लाल, धूसर, गुलाबी, पीले व कभी कभी काले रंग के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं क्रिस्टल्स लाइकेंस के, एग्जाम्पल्स हैं लेसिडिया, हीमोटोमा, एक है ग्राफिस एवं राइजोकार्पोन, लेसिडिया, ग्राफिस, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं क्रिस्टल्स लाइकेंस के। तो अपन मेन पॉइंट क्या देखते हैं कि क्रिस्टल्स लाइकेंस में जो थैलस या पादप शरीर होता है वो चपटा होता है और इस प्रकार थैलस या पादप शरीर पपड़ी नुमा संरचना बनाता है और इस प्रकार के थैलसों को पूर्णतया या पूरा का पूरा आधार स्थल से अलग करना असंभव होता है। तो परपटी में लाइकेंस का थैलस चट्टानों या वृक्ष की छाल में आंशिक या पूर्ण रूप से धसा रहता है। अब बात करते हैं पर्नल लाइकेंस की, फोलियोस लाइकेंस की। तो इस प्रकार के लाइकेन थैलस पत्ती के समान चपटे या पर्नल लीफी तथा पालित होते हैं। कुछ प्रारूपों में थैलस के किनारे पालित ना होकर सपाट या नियमित होते हैं। यदि पालियां उपस्थित हों तो ये कम अथवा अधिक गहराई वाली होती है। थैलस का मतलब फोलियोस लाइकेंस के थैलस का निचला हिस्सा आंशिक रूप से कवक सूत्रों के रज्जुओं के द्वारा जिनको राइजील्स कहते हैं अधोस्तर से चिपका हुआ पाया जाता है और ये राइजील्स मूलाभासों के समान शाखित अथवा अशाखित होते हैं। एक बार ज्योति मीना आ गई, ज्योति मीना को एडमिट कर देते हैं। किसकी बात चल रही है? फोलियोस लाइकेंस की। तो क्या बता रही हूँ मैं, कुछ पर्नल लाइकेनों या कुछ फोलियोस लाइकेंस जैसे गायरोफोरा, जैसे गायरोफोरा के थैलस अधो स्तर से कवक सूत्री तंतुओं द्वारा ना जुड़कर निचली सतह से उत्पन्न एक केंद्रीय स्थापनांग होल्ड फास्ट जैसी संरचना द्वारा चिपके रहते हैं। तो राइजील्स के अंतिम सिरे चपटी एवं डिस्कॉइड संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या बताया? राइजील्स के अंतिम सिरे चपटी एवं डिस्कॉइड संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। यह डिस्क म्यूसिलेज का स्राव करती है जिससे लाइकेन थैलस आसानी से अधो स्तर से जुड़ जाता है। तो थैलस का रंग गहरा भूरा होता है। अब अपन बात करते हैं फोलियोस लाइकेंस के एग्जांपल्स क्या है, उदाहरण क्या है। एक है कोलेमा, एक है गायरोफोरा व पार्मेलिया एवं जेंथोरिया, ये क्रिस्टल्स और ये क्रिस्टल्स लाइकेंस के उदाहरण है। ये फोलियोस लाइकेंस के उदाहरण है। तो फोलियोस लाइकेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि फोलियोस लाइकेंस के थैलस पत्ती के समान चपटे या लीफी तथा पालित होते हैं और कुछ प्रारूपों में थैलस के किनारे पालित ना होकर सपाट या नियमित
होते हैं। तो थैलस का निचला हिस्सा आंशिक रूप से कवक सूत्रों के रज्जुओं के द्वारा, जिनको राइजीन्स कहते हैं, अधोस्तर से चिपका हुआ पाया जाता है। ये राइजीन्स मूलाभासों के समान शाखित अथवा अशाखित होते हैं। कुछ फोलियोस लाइकेंस जैसे गायरोफोरा के थैलस अधोस्तर से कवक सूत्री तंतुओं द्वारा ना जुड़कर निचली सतह से उत्पन्न एक केंद्रीय स्थापनांग होलफास्ट जैसी संरचना द्वारा चिपके रहते हैं। राइजीन्स के अंतिम सिरे चपटी एवं डिस्कॉइड संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात करते हैं शूपिल लाइकेंस की, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फ्रक्टिकोज लाइकेंस की। तो इस प्रकार के लाइकेन फ्रूटिकोज लाइकेंस, शूपिल लाइकेंस, इस प्रकार के फ्रूटिकोज लाइकेंस थैलस अत्यधिक शाखित होते हैं तथा झाड़ी सदृश संरचना प्रदर्शित करते हैं। इनके पादप शरीर फ्रूटिकोज लाइकेंस के पादप शरीर अधिक स्पष्ट एवं जटिल होते हैं। ये बेलनाकार या रिबन जैसी एवं स्वतंत्र रूप से शाखित होते हैं। इनकी शाखाएं, मतलब फ्रूटिकोज लाइकेंस के थैलस की शाखाएं रोमिल या पर्ण जैसी होती हैं। इनके थैलस में ऊपरी एवं निचली सतह का विभेदन नहीं पाया जाता। वह पादप शरीर चपटी म्यूसिलेज डिस्क की सहायता से अधोस्तर पर चिपके रहते हैं और फ्रूटिकोज लाइकेंस का रंग मटमैला, धूसर, भूरा हरा, पीला हरा, नीला हरा अथवा काला होता है। जैसे फ्रूटिकोज लाइकेंस के एग्जाम्पल्स हैं क्लेडोनिया, अर्सनिया व एवरनिया। तो हम देखते हैं थैलस संरचनाओं के अतिरिक्त भी कुछ अन्य लाइकेंस में कुछ विशेष मध्यवर्ती थैलस संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे है बेटा सेंट्रेरिया। जैसे सेंट्रेरिया का थैलस आधारभूत रूप से चपटा होता है, परंतु थैलस की पालियां शूपिल लाइकेंस के समान होती हैं। एक अन्य लाइकेन प्रजाति का क्या नाम है, स्क्वेमेरिया म्यूरेलस में थैलस का मध्यवर्ती भाग क्रस्टोस होता है, पर्पटी नुमा होता है, लेकिन किनारों की पालियां शल्क जैसी दिखाई देती हैं। अब अपन बात करते हैं आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस। इससे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर को कल करा देंगे, इससे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि लाइकेंस के गुण, लाइकेंस के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हैं। पहला है ये शैवाल लाइकेंस, शैवाल तथा कवक के सहचर्य से निर्मित स्वतंत्र सुखाए स्वरूप होते हैं। कवक घटक को माइकोबायोंट कहते हैं तथा शैवाल घटक को फाइकोबायोंट कहते हैं। दूसरा है फाइकोबायोंट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ बनाता है, जिसका उपयोग फाइकोबायोंट व माइकोबायोंट दोनों घटकों के द्वारा किया जाता है। तो माइकोबायोंट जल अवशोषण एवं फाइकोबायोंट को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा है फाइकोबायोंट हरित शैवाल अथवा नील हरित शैवाल होते हैं, जबकि माइकोबायोंट एस्कोमाइकोटिना अथवा बेसिडियोमाइकोटिना प्रभाग के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट चौथा है आकारी की दृष्टि से लाइकेन थैलस पर्पटी में क्रस्टोस, पर्नल फोलियोस अथवा शूपे फ्रूटिकोस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है लाइकेंस में अलैंगिक जनन दोनों घटकों युक्त विशिष्ट संरचनाओं एसिडिया तथा
सोरिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। लाइकेंस में लैंगिक जनन केवल केवल माइकोबायोंट घटक करता है, शैवाल घटक इसमें भाग नहीं लेता है। इसी प्रकार लाइकेंस में स्त्री जननांग कार्पोगोनियम होते हैं जो आधारी कुंडलित एस्कोगोनियम एवं लंबी बहुकोशिक ट्राइकोगाइन में विभेदित होते हैं। नेक्स्ट है नर जननांग फ्लास्क के समान स्पर्मोगोनियम होते हैं। लाइकेंस में मेल सेक्स ऑर्गन नर जननांग फ्लास्क के समान स्पर्मोगोनियम होते हैं जिनमें नर युग्मक स्पर्मेशियम बनते हैं, अचल पुमणु बनते हैं। तो लाइकेंस में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? स्पर्मोगोनियम कहते हैं। और स्पर्मोगोनियम में मेल गेमेट्स बनते हैं जिनको स्पर्मेशियम कहते हैं। नेक्स्ट है फलन पिंड प्लेट सदृश एपोथीशियम तथा फ्लास्क जैसे पेरिथीशियम होते हैं। लाइकेन की वृद्धि अत्यंत धीमी होती है तथा ये लंबी अवधि तक उच्च ताप एवं शुष्क दशाओं में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है अपनी लाइकेंस की बात। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे और रिप्रोडक्शन की। अब किसी को पूछना है तो आप बोलो बेटा फर्स्ट ईयर वाले, आज तो कमी आयो है ना।